मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम ओम मंगलम मंगलम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे, जो हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत विस्तार की समतल परत के कारण विद्युत क्षेत्र। एक समान आवेशित है और अनंत लंबाई की, यानी कि अनंत विस्तार है, उसकी लंबाई और चौड़ाई है वो अनंत तक फैली हुई है, और ऐसी एक समान आवेशित परत दी हुई है और उसकी वजह से हमारे को निकालना है विद्युत क्षेत्र, निकालना है किसी पॉइंट पर। ठीक है, तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास में कोई भी एक परत है, ऐसी परत क्या होगी, पतली होगी। ये ऐसे कोई परत है जो इधर भी अनंत तक फैली हुई है, इधर भी अनंत तक फैली हुई है, ऊपर भी अनंत तक फैली हुई है और नीचे भी अनंत तक फैली हुई है। इसके अंदर से कोई भी एक छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, ये वाला जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है। ठीक है, तो ये हमारे को दिया गया है, एक परत दी हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर आवेश फैला हुआ है। और आपसे पूछा गया है कि ये परत है वो कुछ इस तरीके से है, ऐसे परत दे रखी है ऐसे। अब ऐसे बोर्ड पे 3D में बनाना संभव नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से तिरछा करके बनाया है। यहाँ से इस परत से एक यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ से r डिस्टेंस पे, क्लियर है, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P दिया गया है जहाँ पे हमारे को निकालना है विद्युत क्षेत्र। चलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालना सीखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारे को गॉस का नियम लगाना है। तो गॉस का नियम तभी लगाया जा सकता है जब पृष्ठ कैसा हो, बंद हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे, उस बंद पृष्ठ को बोला जाता है गॉसीय पृष्ठ। अब गॉसीय पृष्ठ हमारे जो सिलेबस में बनते हैं वो दो टाइप के ही बनेंगे, या तो बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ बनेगा या फिर गोलाकार गॉसीय पृष्ठ बनेगा। यहाँ पर मैं जो गॉसीय पृष्ठ बनाऊंगा वो बेलनाकार बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बेलन बना लेता हूँ जो इसको क्रॉस करता हुआ है। तो इस तरीके से ये जो डिस्टेंस है ना, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि आपको यहाँ से ये r डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया गया है P यहाँ पे, और इस P पॉइंट पे आपको निकालना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए मैं एक बेलन की कल्पना करता हूँ, मान लेते हैं कि ये एक बेलन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्रॉस करता हुआ जाएगा और पीछे से बाहर निकलेगा, यहां तक जाएगा ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से बनेगा, एक बेलन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे ये आपके पास में कोई भी एक परत है, क्लियर है, ये ऐसी आपके पास में एक परत है, आप क्या करो एक बेलन बनाओ। क्योंकि देखो आपको पूछा गया है यहां से यहां पर एक पॉइंट दिया गया है P, इस P पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट, यदि मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ, एक सर्कल बना लिया, यानी कि इस सर्कल पर जो भी पॉइंट होगा, इस परत पर जो भी पॉइंट होगा, यानी वृत्ताकार मैंने एक प्लेट बनाई है यहाँ पर, इस वृत्ताकार प्लेट पे जो भी बिंदु होगा वो इस प्लेट से समान दूरी पर होगा। मतलब ये हुआ कि इस परत के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। ऐसा का ऐसा मैं क्या करता हूँ, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, इधर भी ले लेता हूँ r डिस्टेंस पर, यहाँ पर भी मैं एक वृत्ताकार प्लेट बनाता हूँ, इस वृत्ताकार प्लेट का जो प्रत्येक बिंदु होगा वहाँ पे विद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा। और गॉसीय पृष्ठ बनाते समय मैंने आपको बोला था कि आपको एक ऐसा गॉसीय पृष्ठ लेना है कि आपको कोशिश करनी है कि उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एक जैसा हो। तो हमने यहाँ पर थोड़ा अपना इमेजिनेशन किया, कल्पना करी कि यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, उस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा। ऐसा कैसा, यहाँ पर भी एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पे वहां पे विद्युत क्षेत्र एक जैसा होगा। जब इन दोनों वृत्तों को आप मिलाओगे तो एक बेलन बनेगा, क्योंकि इधर भी वृत्त है इधर भी वृत्त है, दोनों वृत्तों को मिलाएंगे तो एक बेलन बनेगा। और ये जो बेलन होगा वो इसको काटता हुआ जाएगा, यहाँ से क्रॉस करता हुआ जाएगा, आधा भाग बेलन का इधर रहेगा, आधा भाग बेलन का इधर रहेगा, क्लियर है। जब ये बेलन क्रॉस करता हुआ जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे कट करेगा इस परत को, यहाँ पे जो बेलन होगा वो इस तरीके से कट करेगा, क्लियर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बेलन बना दिया, ये मैंने बेलन बनाया, तो ये आवेश है वो कुछ इस तरीके से, आपको जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आधा भाग है बेलन का आगे, आधा भाग बेलन का पीछे है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एस है, कितना क्षेत्रफल है इसका, एस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एस वृत्ताकार क्षेत्रफल वाले, एस वृत्ताकार क्षेत्रफल वाले, क्षेत्रफल वाले बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार
गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गौसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, हमने कर दी कल्पना। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, ये जो गौसीय पृष्ठ बना है वो गौसीय पृष्ठ कैसा है बेटा, बंद है, ये क्या है, एक गौसीय पृष्ठ है, और ये जो गौसीय पृष्ठ है बेटा वो क्या है, बंद है। जब भी कोई भी गौसीय पृष्ठ बंद होगा तो यहां पर मैं गौस का नियम लगा सकता हूं, तो मैं लिखूंगा कि ये जो मैंने बेलन बनाया है, ये जो मैंने बेलन बनाया है, इस बेलन के अंदर से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा, ये हमारे को निकालना है। तो अपन लिखेंगे बेलनाकार गौसीय पृष्ठ निर्गत फ्लक्स, बेलनाकार गौसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो हमारे को गौस का नियम पता ही है, गौस के नियम से निकालेंगे अपन, लिखेंगे गौस के नियम से। तो गौस के नियम से क्या लिखेंगे, गौस के नियम से तो लिखेंगे फाइ इज इक्वल टू क्यू, यानी कि टोटल आवेश सिग्मा क्यू इनसाइड, यानी कि जो बेलनाकार आपने लिया है यहाँ पे गौसीय पृष्ठ, उसके अंदर टोटल आवेश कितना है वो यहाँ पर अपन लिखने वाले अपन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला अपन काम में लेंगे। हमारे को निकालना है कि ये जो बेलनाकार आपने गौसीय पृष्ठ लिया है उसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा। बेलनाकार जो गौसीय पृष्ठ लिया है उसके अंदर जो टोटल आवेश होगा वो केवल ये वाला आवेश होगा, क्योंकि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास में परत है और आपने यहाँ पे बेलन रखा हुआ है, यहाँ से बेलन कट करता हुआ जाएगा, जब कट करेगा तो ये वाला जो गोला होगा, ये वाला सॉरी जो व्रत होगा, ये इस व्रत के ऊपर जो भी आवेश आएगा, प्लस प्लस आवेश जो भी इस व्रत पे आएगा वो कहाँ आएगा, इस बेलन के अंदर रहेगा, बाकी जो आवेश होगा ये वाले ये तो बेलन के क्या है, बाहर है। यानी कि जो भी आवेश आएगा वो ये वाला आवेश आएगा जो बेलन के अंदर होगा, और हमारे को कौन सा आवेश यहाँ पे लिखते हैं, बेलन के अंदर वाला आवेश लिखते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये आवेश क्या है, क्यू डैश है, तो मैं लिख लेता हूँ क्यू डैश है, क्यू है, तो मैंने मान लेते हैं क्यू आवेश, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको ये जब भी परत दी जाएगी, इस परत का आवेश तो आपको दिया नहीं जाएगा कि भाई परत के ऊपर टोटल इतना आवेश है, कैसे दिया जाएगा भाई, अनंत विस्तार की परत है ना, तो इसके ऊपर आपको आवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज दी जा सकती है और वो दी जाएगी आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व, यानी कि इसका आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है। क्या दिया गया है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ये आपको दिया गया है, कितना है बेटा, सिग्मा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे यहां से अपन, कि क्यू आवेश की वैल्यू कितनी होगी, टोटल उस वैल्यू को अपन यहां पे फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो लिखेंगे देखिए पहले फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, यदि आपको यहां का सिग्मा निकालना है कि इसका सिग्मा कितना होगा, तो अपन लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू कि इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, मैंने मान लिया कि आवेश q है और इसका एरिया कितना है, यदि इसका एरिया s होगा तो इसका एरिया भी कितना होगा, s होगा, यानी कि यहाँ से q निकल के आ जाएगा सिग्मा इंटू s, और यही वैल्यू q की अपन यहाँ पे रख देंगे तो फाई की वैल्यू जो आएगी गाउस के नियम से वो आ जाएगी सिग्मा s अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर वन। ये हमने गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया, फिर देन आफ्टर देन हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को काम में लेंगे और फिर फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण एक को आप नोट कर लो, फिर मैं इसे रब कर रहा हूँ, है ना, तो लाला क्या इसे रब कर दिया, मतलब आपने लिख दिया ना, नोट कर लिया, ठीक है मैं रब करता हूँ इसे, फिर अपन लेंगे फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ पे अपन फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं, तो लिखेंगे फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अरे भाई गाउस के नियम से निकाल लिया फ्लक्स इतना आ रहा है, अब निकालेंगे अपन विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले से। फाइ इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई का डॉट डी ए वैक्टर, डॉट को हटा दे तो अपन लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डी ए क्या होता है, एरिया होता है। यहां पर तीन अलग अलग एरिया अपन बना सकते हैं, कोई भी एक बेलन होगा तो उसके अंदर तीन प्रकार के क्षेत्रफल होंगे। जैसे ही आपके पास में कोई भी एक बेलन है, इस बेलन का यहां पर वृत्ताकार क्षेत्रफल होगा, एक बेलन का वृत्ताकार क्षेत्रफल ये होगा, और एक बेलन के ऊपर ये वाला जो वृत्ता ऊपर जो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल है ये वाला पूरा, इसे बोलेंगे वक्राकार क्षेत्रफल बोलेंगे।
क्लियर है। तो इस पूरे बैलेंस से आपको फ्लक्स निकालना है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल दो, इससे निकलने वाला फ्लक्स निकाल दो, और इस वक्राकार भाग से निकलने वाला फ्लक्स निकाल दो, और फिर देन तुम तीनों का टोटल कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको तीन भागों में ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइ इज इक्वल टू EDA cos theta। पहले प्रश्न के लिए मान लेता हूं कि ये वाला प्रश्न S1 है और ये वाला प्रश्न S2 है, तो यहां पे लिखेंगे S1 प्रश्न के लिए, फिर इंटीग्रेशन करेंगे EDA cos theta सेकंड वाले प्रश्न के लिए, और फिर प्लस करके लिखेंगे EDA cos theta तीसरे प्रश्न के लिए। ये है हमारे पास में तीसरा प्रश्न, वक्राकार भाग का जो क्षेत्रफल होगा उसे बोलेंगे तीसरा प्रश्न। अब एक बात बताइए मेरे को, यहाँ पे जो क्षेत्रफल अपन लेंगे इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? इसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो ये वाली होगी, एस की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। यहाँ पे जो भी छोटा सा क्षेत्रफल लोगे आप, जैसे कि डीए ले रहा हूं तो डीए की डायरेक्शन ये आएगी ना, और ये की डायरेक्शन भी क्या होगी, वो भी यही होगी। यानी कि थीटा कितना बनेगा इस प्रश्न के लिए, जीरो डिग्री। यहाँ पर बात करें यहाँ पे जो एरिया आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, विद्युत क्षेत्र होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा, जीरो डिग्री। यानी कि प्रश्न S1 के लिए थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री। प्रश्न 2 के लिए थीटा कितना होगा, जीरो डिग्री। बट ये जो तीसरा जो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल है, इसका यदि कोई भी आप पॉइंट लेते हो, तो जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो पॉइंट होगा इसका क्षेत्रफल कैसे होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसे होगा ऊपर की ओर, लेकिन ई जो होगा उसकी डायरेक्शन तो ये होगी, तो थीटा कितना निकलेगा, 90 डिग्री। कोई भी पॉइंट लो, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पे भी ले लो, थीटा हमेशा क्या निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आता है। क्लियर है। यानी कि अपन लिखेंगे तीसरे प्रश्न के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और यहां पर जैसे थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है। यानी कि ये वाला फ्लक्स कितना आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जो वक्राकार भाग क्षेत्रफल होगा उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो निकल के आएगा। जैसे यहां से भी अपन समझ सकते हैं कि ये वाला भाग से कोई फ्लक्स निकलेगा क्या, फ्लक्स तो या तो इधर जाएगा या फिर फ्लक्स इधर जाएगा, इस वाले भाग में से तो क्षेत्रफल मतलब फ्लक्स निकलेगा ही नहीं। क्या बल रेखा ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, नहीं जा सकती। बल रेखा या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी, यानी कि फ्लक्स जो भी आएगा वो इस पृष्ठ से आएगा या फिर इस वाले पृष्ठ से फ्लक्स आएगा। क्लियर है, ठीक है। और वैसे फॉर्मूले से भी पता है कि यहां से जो आंसर निकल के आएगा वो जीरो आएगा। ठीक है, फाइ इज इक्वल टू ई, देखो थीटा की वैल्यू जीरो रखो, कॉस जीरो कितना हुआ, वन। यहां पर क्या बचेगा, ई इंटू डी ए। ई क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर एक जैसा होगा, क्योंकि ये जितने भी बिंदु होंगे वो इस पर से समान दूरी पर होंगे, तो ई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ई को मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, और इंटीग्रेशन करेंगे डी ए, फिर प्लस यहां पर आते हैं। अरे यहां पर भी देखो थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री, यहां पर रखेंगे कॉस जीरो कितना होगा, एक होगा। ई डी ए लिखेंगे, ई की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ई को आप बाहर ले लो, ई का मतलब यहां पर अपने ई होगा। अरे मैं कह रहा हूं कि यहां से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ई है, तो यहां से भी आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई ही होगा, बराबर दूरी पर है, तो लिखेंगे अपन ई कांस्टेंट, बाहर आ गया। फिर अंदर बचेगा डी ए, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे फाइ इज इक्वल टू ई इंटू, अरे डी ए का इंटीग्रेशन करना है, और पहले प्रश्न के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये दूसरे प्रश्न के लिए कर रहे हैं। अरे S1 यानी कि इसका टोटल एरिया निकालना, DA का इंटीग्रेशन मतलब 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू A करना, मतलब पूरे का एरिया, और पूरा एरिया कितना दिया हुआ है आपको, S दिया हुआ है, तो अपन लिखेंगे इंटू S प्लस, यहां पर भी E बाहर है, अरे इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि ये वाला टोटल एरिया तो ये भी कितना है, S होगा। अरे ये S होगा तो ये वाला भी क्या होगा, S होगा। तो यहां से निकल के आएगा phi इज इक्वल टू, अरे ES और ES कितना हो गया, 2ES हो जाएगा। इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 2 डाल देना। इक्वेशन नंबर 1 हमने गाउस के नियम को काम में लेकर के फ्लक्स निकाल दिया, इक्वेशन नंबर 2 हमने फॉर्मूले को काम में लेकर के निकाल दिया। अब गाउस के नियम से निकालो या फॉर्मूले से निकालो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अपन बराबर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को हम बराबर करेंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की सहायता से। समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, अरे वहां पे फ्लक्स, यहां पे क्या निकल के आया, 2ES, और वहां पे क्या निकल के आया था, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S मर गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही विद्युत क्षेत्र होता है। यदि पूछा जाए कि किसी एक समान आवेशित अनंत विस्तार की कोई भी परत है, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पे पूछा जाए, तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्लियर है।
अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है बच्चा, वो नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है वो डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट दिया गया है, या फिर 10 मीटर की दूरी पर पॉइंट दिया गया है, फिर 15 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट दिया गया है, बताइए विद्युत क्षेत्र सभी जगह पर अलग अलग होगा या एक जैसा होगा? तो आपका आंसर होगा एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ इसी फॉर्मूले में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये कॉपी में लिख दिया बेटा, इसे रफ कर दो। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपसे एक सवाल दे रहा हूं, आप इसका आंसर बताना। जैसे मैंने यही सवाल दिया कि ये वाला यहां पे अपन नोट करके लिख सकते हैं, पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नोट करके पॉइंट लिखिए जल्दी से कॉपी में। लिखेंगे कि एक समान अनंत लंबाई की आवेशित एक परत है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया, आप इसका आंसर बताना बेटा, है ना। जैसे आपके पास में एक परत है, अब देखिए इस परत को मैं बार बार इस तरीके से नहीं बनाऊंगा, ये जैसे परत है तो आप खुद समझ जाना इस पे प्लस आवेश है, एक समान आवेश है, और कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। वास्तव में ये परत ऐसी है, मैं सिर्फ एक लाइन को बना रहा हूं, आप समझ जाना ये एक परत है। ठीक है, 3D में बनाना इससे पॉसिबल नहीं है। और अनंत विस्तार किया तो आप इन्फिनिटी तक बना दो। आपको पॉइंट दिया गया है ए, एक पॉइंट दिया गया है बी, एक पॉइंट दिया गया है सी। बताइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ई ए, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ई बी, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है ई सी। और आपसे सवाल पूछा जाए कि ई ए, ई बी तथा ई सी में क्या संबंध होगा, तो आपका आंसर होगा, अरे अभी लाला हमने पढ़ा है ना, ये तो गली गली मच्छा कर रहा है, अरे अभी हमने पढ़ाया कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई ए, यहाँ पर तीनों जगह पर क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी परत की वजह से वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि तीनों पर क्या होगा? इक्वल होगा। आप लिखोगे ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन हाँ, इसके अंदर भी आप चीज़ एक नोट ध्यान रख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र यदि बिंदु परत के ऊपर है, यदि बिंदु कहाँ है, यदि बिंदु अनंत पर है, यदि बिंदु अनंत या फिर परत पर है तो विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा? तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो जीरो होगा। इन दो पॉइंटों का आप ध्यान रखना, शून्य होगा। क्लियर है? अनंत पे जाकर के विद्युत बल रेखा समाप्त हो जाती है, तो विद्युत क्षेत्र वहां पे जीरो होगा, और यदि पॉइंट आपको परत पे दिया गया तो वहां पे भी जीरो होगा। बाकी यदि इसके पास में कोई पॉइंट दे रखे हैं तो वहां पे विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक जैसा होगा। क्लियर है? ठीक है, अब कर दे इसे। तो यहां पर अपन ग्राफ बनाए, यदि मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं ई तथा आर के बीच में, यदि आपको बोला गया है कि ई तथा आर के मध्य ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाओगे बेटा? ई तथा आर के मध्य ग्राफ कैसे बनाओगे? कैसा ग्राफ बनेगा? अरे आर पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, आर भले ही बढ़ रहा हो, ई क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर है? यही ग्राफ पूछा गया होता ई तथा सिग्मा के मध्य, हाँ सिग्मा के मध्य, तो फिर ग्राफ बनता। हमें पता है फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ई समानुपाती होता है सिग्मा के, यानी कि समानुपाती का जो बेटा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा। ठीक है, अरे एक सरल रेखा बनेगी, और कहां से पास होगी? मूल बिंदु से पास होगी। तो ये हो गया ई तथा सिग्मा के मध्य ग्राफ। आप इसका आंसर बताना कि यदि ऐसा हो जाए कि हमारे को दो परत दे रखी है, ठीक है, एक परत ये वाली है और इसके पास में एक और परत दी हुई है, एक परत ये है और इसके पास में एक और परत दे रखी है, और फिर पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, जैसे एक परत ये वाली दे रखी है, सवाल है बताना आप इसका आंसर क्या आएगा। ये परत है जिस पर एक समान, दोनों समान एक जैसे आवेश है, एक समान आवेशित, एक समान आवेशित, पृष्ठीय घनत्व भी क्या है? समान है, एक समान आवेशित है, पृष्ठीय घनत्व समान है। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है,
तो दूसरी वाली प्रत्यावी कितना है, इस पर भी प्लस आवेश है, एक समान आवेशित है और एक दूसरे के समांतर रखी गई, इसका भी कितना है प्लस सिग्मा और इसका भी कितना है प्लस सिग्मा। और आपसे पूछा गया है, तीन अलग अलग पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट मैंने अंदर दे दिया ए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया बी और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया सी। बताइए ए पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा और सी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉइंट सी की, कि सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो लिखेंगे सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। देखिए अब यहां पर जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर दो दो प्लेटें हैं, एक प्लेट नहीं है, यानी कि अब दो प्लेटें होगी तो क्या होगा लाला, इसके अंदर इस प्लेट का भी यहां पे विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा और ये वाली जो सीट दे रखी है इसका भी यहां पे विद्युत क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, लिखेंगे इस प्लेट को नाम दे दिया मैंने पी प्लेट, इसका नाम दे दिया क्यू प्लेट। अपन लिखेंगे पी प्लेट के कारण, पी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, ईवन है, ईवन है, तथा क्यू प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र ई टू है। तो देखो अब इस प्लेट, जब इस प्लेट की वजह से निकाल रहे हो तो इस प्लेट को भूल जाओ आप, अरे इस प्लेट का यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा, अभी फॉर्मूला पड़ा है सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन बताने का सिंपल सा तरीका बताया है कि आप क्या करो, वहां पर दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दो, उस लाइन पर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, यदि धनावेश होगा तो दिशा बाहर आ जाएगी, ऋणावेश होगा तो दिशा अंदर आ जाएगी। चलिए आपको निकालनी है, यानी कि यहां से आर डिस्टेंस में, यानी कि दोनों को मैंने मिला दिया, अब इसी लाइन पर दिशा आएगी, या तो दिशा अंदर हो सकती है या फिर दिशा बाहर हो सकती है, लेकिन कैसा है, धनावेश है, धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, बाहर की ओर, ये आ गया हमारे पास में ईवन। तो अपन लिखेंगे हाँ, तो इस पॉइंट पर ईसी इज इक्वल टू क्या होगा, अपन लिखेंगे ईवन, हाँ सी पॉइंट पर, अरे भाई इसका भी तो आएगा यहां पर, अब इस प्लेट को भूल जाओ, अरे इस प्लेट की वजह से भी यहां पे ज्ञात करना है, तो इसका खुद का निकालना, कैसा आवेश है प्लस आवेश है, यहां से यहां पर निकालना है, बताइए धनावेश होगा तो धनावेश की वजह से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, यानी कि ईवन और ई टू दोनों सेम डायरेक्शन, इसका भी यहां पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा ई टू वो भी इसी डायरेक्शन में निकल के आएगा और दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, अरे इसकी वजह से भी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि प्रत की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिस्टेंस भले ही कम है और ये वाला डिस्टेंस भले ही ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा और दोनों की दिशा समान होने की वजह से जो नेट विद्युत क्षेत्र आएगा वो ईवन प्लस ई टू होगा। क्लियर है, तो यहां से एसी इज इक्वल टू, अरे ईवन की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी कितनी, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या निकल के आएगा, अरे आधा और आधा कितना हो गया, आखा हो गया, यानी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बिंदु सी का विद्युत क्षेत्र। क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है, अरे मतलब हल्का सा है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। बिंदु ए पर आते हैं, बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र लिखेंगे ई ए, बिंदु ए पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो किसका होगा, पी प्लेट का भी यहां पर होगा और क्यू प्लेट का भी होगा। अब जब हम यहां पर निकाल रहे हैं इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट को भूल जाओ आप, इस प्लेट की वजह से मैं यहां पे ज्ञात कर रहा हूं, यानी कि इस पॉइंट से यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पे निकालना है, तो दोनों को मिला दिया एक लाइन पर, चूंकि धनावेश है, धनावेश की वजह से इधर जो आएगी विद्युत क्षेत्र की वो डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की ओर, अरे इस वाले परत के लिए बाहर ये दिशा होगी ना, तो हम लिखेंगे ईवन, और इस प्लेट की वजह से जब इधर ज्ञात करोगे तो इस प्लेट के लिए बाहर दिशा कौन सी होगी, ये वाली होगी, यानी कि अपन लिखेंगे E2, यानी कि E1 और E2 क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, यानी कि अपन लिखेंगे दोनों की दिशा बराबर होगी, मतलब दोनों की दिशा विपरीत होगी, तो अपन लिखेंगे नेट क्या आएगा, E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन और E2 की वैल्यू, ये जो विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा अंदर की ओर वो कितना निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। और ये हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एक चालक परत दी जाएगी और उस चालक परत की वजह से अंदर विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा, तो चालक परत में मतलब चालक जो प्लेट होगी उस चालक प्लेट के अंदर यदि विद्युत क्षेत्र की बात की जाती है तो वो जीरो होता है, वो यहाँ से आप समझ सकते हैं, क्योंकि चालक प्लेट में दो परतें होगी, एक परत इधर होगी एक परत
इधर होगी, तो यहां से भी आप समझ सकते हो जीरो है, नहीं तो अपन गॉस का नियम जब पढ़ेंगे तो वहां से भी आंसर जीरो निकल के आएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर बी पर कि भाई पॉइंट नंबर जो बी दिया हुआ है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आएगा। चले पॉइंट बी पर डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर बी पे, अरे इस पॉइंट बी पे जो आएगा विद्युत क्षेत्र वो पी प्लेट का भी आएगा और क्यू प्लेट का भी आएगा इस पर। अरे इस प्लेट की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, अरे इस प्लेट के लिए बाहर दिशा कौन सी होगी, ये वाली E1। अरे इस प्लेट की वजह से बाहर दिशा कौन सी होगी, इस प्लेट के लिए बाहर यही होगी E2। यानी कि यहाँ पर जो E1 और E2 आएंगे उनकी वैल्यू भी क्या होगी, एक जैसी होगी, दिशा भी क्या मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। तो अपन लिखेंगे EB पॉइंट पर क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 लिखेंगे। अरे दिशा ये वाली मिलेगी ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे समान दिशा में होने के कारण, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो आंसर निकल के आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0, और यही विद्युत क्षेत्र निकल के आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर भी कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ पर कितना आया जीरो, यहाँ पर कितना आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों सेम आते लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है वो ये वाली आती है और यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो ये वाली आएगी। क्लियर है, ठीक है, अगला एक सवाल और करते हैं, चलो देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। एक हम दो प्लेटें ले रहे हैं, सॉरी दो परत ले रहे हैं, एक परत है धनावेशित और एक परत है ऋणावेशित, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है दोनों का पृष्ठीय आवेश तो एक जैसा है, इसका प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा है, दोनों का परिमाण बराबर, देखो इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा है, और आपको पूछा गया है एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट बी यहां पर है और एक पॉइंट सी यहां पर है, और पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर। मान लेते हैं कि ये प्लेट कौन सी है, पी प्लेट है और ये वाली क्यू प्लेट है, तो सबसे पहले अपन ज्ञात करेंगे ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, ई ए इज इक्वल टू, हाँ इस पॉइंट पर, अरे ये वाली जो प्लेट है इस प्लेट की वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, लेकिन इस प्लेट के लिए दिशा क्या आएगी बाहर की ओर, क्यों, क्योंकि धनावेशित है तो दिशा मिलेगी बाहर की ओर, यानी कि इस प्लेट के लिए यहां पर बाहर दिशा कैसे होगी, इधर होगी, तो अपन लिखेंगे सिग्मा E1। ठीक है, और इस प्लेट की वजह से यहां पर जब निकालेंगे, अरे इस प्लेट की वजह से यहां पर, अरे कैसा है आंसर तो वही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन डायरेक्शन क्या मिलेगी, अरे माइनस क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा अंदर की ओर होगा, इस प्लेट के सापेक्ष इस पॉइंट पर जो अंदर दिशा होगी वो ये वाली होगी, दोनों की दिशा क्या है अपोजिट है, तो नेट क्या मिलेगा E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यू बेटा कितना थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू भी कितनी थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां से ये मर जाएगा तो आंसर मिलेगा EA पॉइंट पर क्या मिलेगा 0। ठीक है, बी पॉइंट पर चेक करते हैं, EB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अरे इस पॉइंट पर इस प्लेट की वजह से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र मिलेगा, अरे इस पॉइंट पर धनावेशित है, धनावेशित की वजह से विद्युत क्षेत्र जो आएगा बाहर की ओर, यानी इस पॉइंट पर बाहर दिशा कैसे होगी इधर, और ये कैसा है ऋणावेशित, ऋणावेशित की वजह से यहां पे जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अंदर की ओर आएगा, और इस प्लेट के लिए अंदर दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी, यानी कि E1 और E2 होंगे दोनों समान दिशा में होंगे, तो नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा E1 प्लस E2 होगा, E1 की वैल्यू कितना ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, E2 की वैल्यू भी कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, आंसर क्या मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही जो विद्युत क्षेत्र होता है, हम एक सिद्धांत पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर का, यानी कि संधारित्र का जब सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती है, दोनों पर आवेश का मान बराबर होता है, दोनों का एरिया एक जैसा होता है और उनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र हम कंसिडर करते हैं वो बेटा कंसिडर करेंगे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0 कंसिडर करेंगे, और यहाँ पर अपन देखेंगे भी सही चीज़ को। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और सी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा EC इज इक्वल टू सी पॉइंट पर, यहां पर देखिए इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा इस प्लेट की वजह से, इस प्लेट पर दिशा बाहर की ओर आएगी क्योंकि ये धनावेशी है, धनावेश की वजह से दिशा होगी वो ऐसे होगी,
और ये क्या है, ऋणावेशित है। ऋणावेशित की वजह से इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो अंदर की ओर आना चाहिए, यानी कि इसके लिए यहाँ पर जो अंदर दिशा होगी वो ये वाली होगी, यानी कि ई1 माइनस ई2, यानी कि दोनों की दिशा क्या होगी, अपोजिट और अपोजिट होने की वजह से लिखेंगे ई1 माइनस ई2 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नेट निकल के आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर निकल के आएगा सी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे चेक किया कि बिंदु सी पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होगा, ए पर भी कितना होगा, 0 होगा, लेकिन जो बी पर निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे मेरे को क्या होगा, नए नए वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए बच्चा इतना ही, धन्यवाद।